आ चुके हैं पाड़े जी जो हलवा कम मोमोज और गाइस देखो फिलहाल यहां पे पापा आ चुके हैं जो कि लाइव चाय पीने के बाद मैंने बना दिया गरम गरम रोटी और फिलहाल यहां भैया का लगा दिया खाना एक ये अरे ऐसे दिखा देना यार क्या है नहीं सारे नहीं लगवाए ना हाथ और ये देखो इसका मतलब ये देखो राधे राधे जय माता दी वेलकम टू आवर न्यू ब्लॉग। तो गाइस एक अच्छे दिन की शुरुआत हो चुकी है और अभी बज चुके हैं सुबह के भाई 10:15। तो आज हम लोग बहुत लेट हैं क्योंकि आज मैं लेट सो के उठी थी, रात को मुझे नींद नहीं आ रही थी तो मैं सोई थी करीब 3 बजे के लमसम, तो 3 बजे सोई तो लेट उठना ही था। तो फिलहाल गाइस अभी का शेड्यूल दिखा देते हैं कि अभी क्या क्या हो रहा है। तो सबसे पहले भैया यहाँ कर रहा है पूजा और यहाँ मैंने पाड़ी जी का फ्रूट रेडी कर दिया जिसमें ये और ये और ये है और यहाँ किचन बन रही है अपनी चाय ये देखो। और देखो तो उस कमरे में अपना बैठी है फोन देख रही है और पाड़ी जी का फोन आया, वो अपना बात कर रहे हैं, उनका आज बंडे है तो काम शुरू हो चुका है। तो फटाफट चलते हैं गाइस किचन का काम पूरा करते हैं और भैया का भी फ्रूट उसी में है तो भैया का फ्रूट अलग कर देते हैं प्लेट में और उसके बाद भैया तो पूजा कर ही ले रहा है तो फटाफट काम निपटाते हैं, उसके बाद दिखाते हैं आप लोगों को। आगे अपनी चाय और नमकीन और बेबू तो उस कमरे में अपना ब्रेड और चाय, तो आप लोग भी आइए चाय पी लीजिए और मैं तो भाई फटाफट चाय पीती हूँ क्योंकि खाना बनाने के लिए हो रही हूँ लेट और अभी बज चुके हैं 11। शेड्यूल पे जा रहे हैं, बुलेट से जाओगे क्या? अच्छी बात है, नज़दीक में जा रहे हो तो बुलेट से जाओ। बदरपुर में कैसे पहुँच रहे बेबू की तावल है? अभी 1000 बार सुनाएगी देखेगी तो। मारपीट हो गई थी भैया से तावल को लेके, अब जूता पहन के सारे घर में हाड़ रहे हो। बेबो खाने के बाद प्लेट किचन में, बोला था ना। अच्छा साहब करिए रे, नहीं तो पैसा एक चवन्नी नहीं मिलेगा। तो गाय दाल पाड़े जी ने नए नए पौधे लगवाए, ये देखो एक, ये देखो भाई दो, और ये तो पहले का है, और एक ये वाला और एक ये वाला, और कौन सा लगवाया भैया? एक ये ऐसे दिखा देना यार क्या है। नहीं सारे नहीं लगवाए ना हाथ। और ये देखो इसका मतलब, ये देखो देर से पूरे आधे घंटे से ज्यादा हो गए बुलेट की चाबी ढूंढ रहे थे, भैया ने रख के डॉल में और पूरा इतनी देर से सबने ले आ, तो भैया अच्छे से डांट खाने वाला था लेकिन बच गया। बुलेट का जो ब्रेक होता है ना उसमें डाली थी, वही बाहर ही चाबी छोड़ के आया था तभी तो घर में मिल नहीं रही थी, उसके बाद वहाँ गया बुलेट से निकाल घर में लाया, कह रहा है यहाँ है, झूठ बोल रहा है, देख लो उल्लू बना रहा है। तो फिलहाल गए चलते हैं खाना बनाते हैं, 1 घंटे का टाइम तो चला गया चाबी ढूंढने में। मैंने फटाफट भैया का लगा दिया खाना कैसे रुक गई थी वीडियो, जिसमें सैलड और ये देखो पालक और मटर जिसकी रेसिपी मेरे चैनल पे है, और ये रहा राइस। तो रोटी भैया खाएगा नहीं क्योंकि आटा तो मैंने गूंथ के रखा था लेकिन भैया ने मना कर दिया तो मैंने रोटी बनाया नहीं। और फिलहाल तो बेबो इस कमरे में खाना खा रही है अपना टीवी देख देख के, तो बेबो खा रही है यहाँ दाल चावल। चम्मच से क्यों नहीं खा रही मैडम? मना किया ना हाथ से खाने के लिए, उठाओ चम्मच जल्दी, और भी रखी हो बिस्तर पर 100 बार मना किया, बिस्तर पर खाना नहीं खाना चाहिए आपको, यहाँ रखो चलो गिराना नहीं ठीक है। तो गाइस बेबो तो दाल चावल खा रही है, भैया खा रहा है इस कमरे में खाना, तो भैया को खाना खाने देते हैं और मैं करती हूँ थोड़ी देर आराम क्योंकि आज तो पता नहीं कि मुझे को बहुत ज़्यादा वीकनेस लग रही है, बहुत गर्म है, पंखा चला देती हूँ फुल पे। ओके तो गाइस भैया को खाना खाने देते हैं, आ चुके हैं पाड़े जी जो हलवा कम मोमोज, और गाइस देखो फिलहाल यहाँ पे पापा आ चुके हैं जो कि लाए हैं मोमोज मेट्रो से और पूरा भर के लेके आए हैं, और ये अपने आप खा रहे हैं सैलेड और हम लोगों को खिलाएंगे मोमोज और ये चटनी जिसको खाने के बाद सीधे बवासीर। और बेबो तो अपना कॉर्न ले आए थे स्वीट कॉर्न, उस कमरे में अपना लपेट रही है, और पाड़े जी को मैं चलती हूँ फटाफट दे देती हूँ खाना और भैया लपेटेगा। और गाइस आपको पता है आज की पालक की सब्जी बिल्कुल उसमें मतलब एकदम बेसन पालक है और डिफरेंस। पाड़े जी का खाना लगा दिया जिसमें रोटी ग्रीन चिली एंड पालक की सब्जी एंड चावल और नींबू सैलेड, तो पाड़े जी को खाना खाने देते हैं और भैया तो यहाँ भाई लपेट रहा है अपना मोमोज, तो मैं भी इसकी हेल्प कर देती हूँ थोड़ी सी। फिलहाल तो भैया चला गया फुटबॉल खेलने और मेरे को बताया भी नहीं और ना तो वीडियो बनाया, मैं सो रही थी और फोन पीछे रखी थी, शायद उसको मिला नहीं होगा फोन, तो अभी खेल के आया नहीं। और फिलहाल मैंने बना दिया अचार ये देखो, जिसकी रेसिपी मैंने अपने चैनल पर डाली है, देखो अपना अचार बन गया। अगर आप लोगों को रेसिपी चाहिए तो मेरे चैनल पे है, चैनल पे जाके चैनल को सब्सक्राइब करना और रेसिपी देख लेना। और फिलहाल चलते हैं करते हैं पूजा क्योंकि हो गया है आरती का टाइम, तो मैंने वहाँ भगवान का भोग रख दिया और ये देखो लाइट भी आ गई, तो चलो फटाफट पहले आरती कर लेते हैं। तो
चुका है, जब अपना पूजा पाठ हो चुका है, अब वेट करते हैं भैया और पाड़ी जी के आने का, उसके बाद पियेंगे चाय गर्मा गर्म। आ गई हमारी और बेबू की चाय जी, और ये है मेरी चाय और ये रही बेबू की चाय, और ये रही आलू भुजिया और पाले जी जो कि बेबू खाएगी भाई। और इधर आ गए भैया और पाड़े जी, ये देखो ये वेलकम होम वेलकम होम वेलकम होम वेलकम होम। चाय पीने के बाद मैंने बना दिया गरम गरम रोटी, और फिलहाल यहाँ भैया का लगा दिया खाना, खीरा रोटी एंड पालक की सब्जी। भैया को बहुत पसंद आई है, मज़ा आ गया खा के ना भैया। बेबो तुम क्या खाओगी? हाँ अभी अभी जस्ट गाइज आप लोगों ने देखा ना खाई थी वो, क्या खाई थी वो, चाय पार्ले नमकीन। अब कह रही खाना खाऊंगी, तो क्या खाओगी बेबो जल्दी बोलो? सब्जी रोटी बटर डाल के। क्या डाल के? बटर एक ही है ना। क्या? बटर रोटी एक ही। बटर रोटी सब्जी नहीं? तो गाइस खाना खाने के बाद मैं और भैया और बेबो रही आगे, मैं कर रही वॉकिंग, भैया बचा रहा अपना खाना जो खाया है सात रोटी। लाइट जरा, मैं ब्लॉग बना रही थी, तुम लाइट बंद कर दिए। तो गाइस पूरा 5.5 किलोमीटर टहल के आ गई घर वॉकिंग करके। बोल रही है 5.27 कमीने, वो 0.5 हर पता चल जाता है। कितने दिनों में? तो गाइस फिलहाल अभी सबका खाना पीना, किचन साफ, किचन की साफ सफाई सारा काम हो चुका है, और वॉकिंग करके तो आई गई, आप लोगों को दिखाई दिया था कि मैं वॉक कर रही हूँ। तो फिलहाल इतना मैंने वॉक भी कर लिया। ओए शांति बनाएगा कि नहीं? तो गाइस फिलहाल इस ब्लॉग के यहीं पे एंड करते हैं। आई होप सो आप लोगों को हमारी डेली लाइफ स्टाइल कुछ पसंद आएगा, पसंद आया होगा एक लाइक कर देना, चैनल पे नए हैं गाइस तो सब्सक्राइब किए बिना बिल्कुल मत जाना, और मिलते हैं आप कल की वीडियो में, तब तक के लिए टिल देन बाय बाय टाटा गुड नाइट। इसने